अगर आप मेरे चैनल की वीडियो देख रहे हो तो आप सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि वीडियो आप देखते हो तो आप यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करके, तो यहाँ हमने सब्सक्राइब किया लाल बटन पर क्लिक करके, उसके बाद इस तरह बेल नोटिफिकेशन आता है, बेल नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है का सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल टू माय चैनल टेक लगाओ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, कि आंगनवाड़ी के प्ले ग्रुप में चलेगी बनारस में तैयार हिंदी की किताब, यानी हिंदी की जो किताब तैयार की गई है बनारस की, वो आंगनवाड़ियों के प्ले ग्रुप में वही बनारस की किताब को चलाई जाएगी। आई खबरें जान लेते हैं पूर्व। तो आंगनवाड़ी केंद्रों में प्ले ग्रुप चलाने की तैयारी तेजी से चल रही है। ग्रुप के बच्चों को बनारस में तैयार हिंदी की किताब पढ़ाई जाएगी। राज्य हिंदी संस्थान हिंदी के साथ अन्य किताबों के निर्माण में जुटा है। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को तैयार के लिए कर रही तैयारी हो रही है। पुस्तकों के सूबे के आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ाई जाएगी। शासन ने आंगनवाड़ी केंद्रों में प्ले ग्रुप का पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद को सौंपी थी। जिले में राज्य हिंदी संस्थान को प्री प्राइमरी के हिंदी की पुस्तक तैयार करने की जिम्मेदारी मिली है। पिछले वर्ष भी हिंदी संस्थान ने हिंदी की पुस्तक तैयार की थी। इस वर्ष 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अलग अलग किताब तैयार कराई जा रही है, जिन्हें अंतिम रूप देने के लिए राज्य हिंदी संस्थान कार्यशालाओं को का दौरा जारी है। राज्य हिंदी संस्थान के निदेशक ऋचा जोशी ने बताया कि नई शिक्षा नीति में बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने पर बल दिया जाएगा। क्षेत्रीय भाषा मतलब जानती हैं आप, क्षेत्रीय भाषा के मतलब कि जो हमारे क्षेत्र में भाषा जो भाषा बोली जाती है, जैसे हमारे क्षेत्र में जो भाषा हिंदी में बोली जाती है वही हिंदी भाषा में एकदम से वही में पढ़ाया जाएगा। तो इस पर ज़्यादा पढ़ाने पर बल दिया जाएगा हिंदी में पढ़ाने पर। तो प्ले ग्रुप की पुस्तकों में क्षेत्रीय भाषा के अधिक उपयोग का निर्णय लिया गया है, माने जिस क्षेत्रीय भाषा में जौन सा शब्द मतलब उपयोग लिया गया है, जिस भाषा को लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं उन्हीं भाषाओं को इसमें ज़्यादा मतलब पुस्तक में जो है उसी भाषाओं का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। तो इससे उसमें क्या होगा कि पढ़ाने में बच्चों को सीखने में आसानी होगी और महिलाओं को पढ़ाने में भी आसानी होगी, बच्चों को सिखाने में भी आसानी होगी, इसलिए हिंदी भाषा में ये पुस्तकें तैयार की गई है। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।